हाय फ्रेंड, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलीशियस किचन बाय सुरभि में। आज बहुत कुछ बड़ा अच्छा सा बनाने को मन कर रहा है। घर पर बहुत कुछ ज्यादा था नहीं, जो चीजें हैं उन्हीं से मैं बहुत बढ़िया एक आपको डिलीशियस पराठा बना के बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया है। आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। रोटी बेल लेंगे बड़ी सी, ये देखें। मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया था, अब मैंने उसको अच्छा बड़ा बेल लूंगी। ये देखें इस तरीके से, ये मैंने बहुत अच्छे से रोटी बेल ली है अपनी। अब इसके ऊपर सबसे पहले मुझे डालना है 2 चम्मच घी। ये आप देखें, आप बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। तो इसको बढ़िया से इसके ऊपर फैला देंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे इसकी आटे की इसके ऊपर। ये देखें इस तरीके से, और साथ में थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ा सा। साथ में मैं डाल रही हूँ, ये आप देख रहे हैं ये पासले हैं, ये पासले हैं। आप चाहें तो पालक भी ले सकते हैं, और जो मूली की भाजी आती है उसके पत्ते ले सकते हैं। कोई भी पत्ते वाली चीज हमें लेनी है तो हमारे यहाँ ये पासले मिलता है। आजकल बहुत अच्छी जो भाजी आ रही है सर्दियों में, चने की भाजी आ रही है, आप उसका भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है पासले, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी पालक भी। आप पालक अकेले का भी बना सकते हैं, पालक मूली के पत्तों का बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर फैला लिया है अच्छे से। और अब इसमें हम डाल देंगे बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखें, अब मुझे इसको करना है साइड से कटिंग। आप अच्छे से देखें, ये साइड से मैंने इसको कर दी है कटिंग। ये साइड से कटिंग हो गई है। बहुत थोड़ा सा और हम इसके ऊपर डाल देंगे घी। ये देखें बस, अब कुछ नहीं है, बहुत वेरी सिंपल। बस इसको हमें करना है रोल 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 रोल, बस इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से घुमा लेना है। ये देखें, तो ये एक कॉर्न के शेप का बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक कॉर्न के शेप का बन गया है। अब मैं इसे नीचे बिठा दूंगी और बहुत धीरे से इसको इसी तरीके से दबा देंगे। ये नीचे दबा दिया है, अब इसके नीचे मैं लगा दूंगी थोड़ा सा आटा, और इसको बहुत थोड़ा सा हम बेल लेंगे। ज्यादा नहीं बेलना है हमें, बहुत थोड़ा सा बेलेंगे। अब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो आप पालक या पासले या कोई भी जो भाजी डाल रहे हैं उसका पानी अच्छे से निकल जाए और वो सूख जाए, उसी के बाद आप इसे बनाएं, नहीं तो ये फटेगा। ये देखें, ये मैंने पराठा बेल लिया है, और अब इसको मैंने डाल दिया है तवे पे बनने। बहुत पतला हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड ये देखिए, पराठा मैंने इस पर डाल दिया है, और इसके ऊपर से अच्छे से हम डाल देंगे घी या बटर। ये देखें, मैंने इस पर डाल दिया है घी, और अच्छे से दोनों साइड से हमें इसे सेकना है। आप इसे दबाएं नहीं ज्यादा, ज्यादा अगर इसे प्रेस करेंगे तो जो इसकी लेयर है वो नहीं खुलेंगे। तो आप इसे बढ़िया से सेकें मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जब तक ये नीचे से थोड़ा नहीं सिक जाता है 25% तक, जब उसके पहले हम इसे नहीं पलटेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये पराठा दोनों तरफ से बहुत बढ़िया सिक गया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है, बहुत ही बढ़िया। मैंने सेक दिया इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और ये देखिए दोनों तरफ से कितना बढ़िया करारा पराठा हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। आप इसे छोले से, दही से, सरसों के साग से, अचार से, कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं। कई बार घर में हमारे पास
कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है, सब्जियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो अगर हस्बैंड को शॉप पे जाना है या ऑफिस जाना है तो आप फटाफट ये पालक का या धनिया मिर्ची का इनका पराठा बना के दे सकते हैं, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत बढ़िया लगता है। सो फ्रेंड आप देखें, ये हमारा पराठा होगा बिल्कुल तैयारी। मैं जीरे दही में डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। साथ में मैंने रख दिया है अचार। इस तरीके के अगर दो पराठे घर से कोई खा के निकले तो लंच की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कब लंच मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो अब ये पराठा आप देखेंगे, इसको जरा हल्का सा हम ऐसे मोड़ देंगे तो आप देखेंगे इसकी कितनी सारी लेयर्स है। आप खुद ही अंदाज करेंगे कि ये जगह जगह से अच्छे से खिल गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इसको खाने का बहुत ज़बरदस्त मज़ा है, इसे ज़रूर बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। तो इसे हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।